धाव संख्या ही 19 धावा धाव फलकावरती पाहायला मिळते। 3 चेंडू समाप्त, नवीन फलंदाज पाहायला मिळतोय। सिंधुदुर्गचा बाहुबली तो म्हणजे दाजी नाही आपल्याला पाहायला मिळतोय। धाव संख्या ही 19 धावा धाव फलकावरती पाहायला मिळते। एका गडाच्या मोबदल्यात धाव संख्या 19 धावा धाव फलकावरती। सोहेल शेख मात्र कमबॅक करतोय। दाजी आता मात्र पाहायला मिळतोय दाजी नाईक स्ट्राइकर यांच्या दिशेन। धाव संख्या 19 धावा धाव फलकावरती। 76 धावांचा पाठलाग करताना बांडेश्वर बांडा संघ। 3 चेंडू समाप्त, धाव संख्या 19 धावा धाव फलकावरती। त्यावेळी फलका पाहायला मिळतो दाजीच्या बाजूने, सुंदर फलका कव्हरच्या दिशेने। चेंडू हा एक बाउंस होतोय 4 धावांसाठी। पहिल्या आल्या आल्या मात्र प्रहार करतोय दाजी। धाव संख्या 4 धावाने पुढे सरकते। धाव संख्या ही 23 धावा धाव फलकावरती पाहायला मिळते। एक सुंदर फलका पाहायला मिळतो दाजीच्या बाजूने। धाव संख्या ही 23 धावा धाव फलकावरती। यावेळी सुंदर फटका पाहायला मिळतो दाजीच्या बाजूने। कव्हरच्या दिशेने चेंडू हा 4 धावांसाठी जातोय। सुंदर फटका पाहायला मिळतो दाजीच्या बॅट मधून। चेंडू जातोय 4 धावांसाठी। ओव्हरची ओटे सांगता, धाव संख्या ही 27 धावा धाव फलकावरती पाहायला मिळते। यावेळी सुंदर फटका पाहायला मिळतो दाजीच्या बॅट म्हणून। सुंदर फटका पाहायला मिळतो। चेंडू हा होतोय सीमापार 6 धावांसाठी। 6 धावाने धावसंख्येत वाढ, धावसंख्या पडली ती मात्र 37 धावा धाव फलकावरती पाहायला मिळते। सामना करो या स्ट्राइक वर दाजी नाइक, तो छक्कों को करता है लाइक वो दाजी नाइक स्ट्राइक के ऊपर। और देखा जाए कि अभी तक दाजी का लंबा लंबा वाला छक्का देखा हमने, और एक तरह से रिवर्स का टेम और थोड़ी सी फील्डर फंबल हुए उसके बावजूद खराब मेको का फील्डिंग शॉर्ट टर्नमेंट का खिलाड़ी। और 4 रन मिलते हुए, 4 रन के सहायता से रन संख्या बोर्ड के ऊपर 43 रन, 76 रन का पीछा करते समय। यावेळी फलका पाहायला मिळतो दाजीच्या बाजूने। सुंदर फलका कव्हरच्या दिशेने। चेंडू हा एक बाउंस होतोय 4 धावांसाठी। पहिल्या आल्या आल्या मात्र प्रहार करतोय दाजी। धाव संख्या 4 धावाने पुढे सरकते। इनका फॉर्म है, अग्रेसिव स्टाइल में हर बार खेलते हैं और उसी के वजह से यहाँ पर पहली गेंद पर रब नहीं रहा। अगर देखा जाए तो 95 रन बना दिए थे जो कि यंगस्टर के इस टीम ने, कि पुराजी कैंगुड़कर का एक बड़ा हाथ था उसमें 36 रनों का। उसके बाद देखना पड़ेगा कि क्या एक और बड़ा टारगेट, एक और टोटल इस मैच में देखा जाएगा। दाजी नाइक इस बार लेग साइड पर बड़ा शॉट निकला और ये गेंद देकर जाएगी पूरे के पूरे 6 रन आते आते बीस्ट मोड एक्टिवेटेड। दाजी नाइक स्कोरबोर्ड में तब्दीली की जाएगी जो कि 25 रनों के ऊपर 25, 1 विकेट डाउन। दाजी दुरत के विकेट के बाद इस बार जरूर दाजी नहीं गए और आते आते पैर जमाते न जमाते पहली गेंद पर बाउंड्री, दूसरे गेंद पर छक्का, ओवर कट रहा था अच्छा, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया। चांगल चिन्ह बांदेश्वर बांदा संघाला।
आता मात्र ऑफ साइड ला सुरेख फटका, दाजी नाईक आपली ताकद दाखवतोय. मोठे शॉट नाही तर सेन्सिबल विकेटिंग स्ट्रोक सुद्धा माझ्या आर्मरी मध्ये आहे, सिद्ध करून दाखवतोय. ऑफ साइड ला कवचमध्ये एक सुरेख शॉट देऊन जातोय. चार धावा परावर्ती होते, गुणतालिका 11 धावांवर. अकरा धावा धाव फलकावर आपण पाहतोय. फिल्डिंगचं स्तर अगदी उंचावलेलं आहे. पुन्हा एकदा ऑफ साइड ला एक सुरेख स्ट्रोक, शुभ मारून देकर अगदी जलगतीने येतोय. पुन्हा एकदा एक चांगली फील्ड बघायला मिळाली. नाम लिया जाएगा तो जरूर सोहेल शेख, ये भी नाम जरूर जबान पर आएगा, क्योंकि एक बढ़िया कैच आज के पूरे दिन में जरूर कभी भी आप गोवा स्पोर्ट्स कल्चर के चैनल पर वो एक लाजवाब कैच देख सकते हैं. तो अभी दोनों दाजी, पुरंदर दाजी दोनों रहेंगे पिच पर. इट्स दाजी नाइक, बाहुबली स्ट्राइक साइड पर रहेंगे. बेस्ट वर्सेस बेस्ट का मुकाबला, सनी वर्सेस दाजी. पहली गेंद ऑफ साइड पर एक बढ़िया शॉट, ताकत बड़ा स्ट्रोक, आउटफील्ड थोड़ी सी धीमी वहां पर, लेकिन धीमी क्यों ना हो उस शॉट में इतनी ताकत की कि वो चली गई बाउंड्री फेंस के बाहर, देकर जाएगी चार रन. निकले ऑफ द मार्कर दाजी रहेगा का बाउंड्री के साथ, और स्कोर बोर्ड में किया जाएगा परिवर्तन इसी बाउंड्री के साथ, जो कि 5 रनों पर. पहली गेंद पर जरूर यहां पर डॉट गई थी, उसके बाद एक सिंगल निकला था जहां पर अनिरुद्ध का कैच छूटा था, फिर विकेट और दाजी नाइक के आते आते आगाज एक बाउंड्री के साथ. फिर एक बार उसी दिशा में, क्या फिर एक बार परिणाम वही होगा? लग तो ऐसा रहा है और वैसा ही हुआ है. किशोर भगत सर को फिर एक बार अपना हाथ लहराना होगा, क्योंकि दो गेंदों पर दो बैक टू बैक बाउंड्री जर दिए दाजी नाइक ने. बॉलिंग जरूर यहां पर ऑफ स्टंप पर डाल रहे हैं सही सोच, लेकिन सही सोच को यहां पर दाजी नाइक जो कि कन्वर्ट कर रहे हैं बाउंड्रीज में, डीलिंग इन बाउंड्रीज. दाजी नाइक आते आते दो बेहतरीन स्ट्रोक्स ऑफ साइड पर. इस बार डाउन द ग्राउंड ये शॉट बड़ा है, ऊंचा है और लंबा भी. दाजी नाइक गर्जो के किरण पांडी ग्राउंड पर राग उगलना शुरू. दो बैक टू बैक बाउंड्रीज और एक सिक्सर. इसी शॉट के साथ स्कोर बोर्ड में परिवर्तन किया जाएगा, जो कि 15 रनों पर 15 रन. दाजी नाइक ने यहां पर आगाज कर दिया है जरूर, पड़े दो चौव के साथ और एक छक्का भी. इसका मतलब है तो अरे हल्लीच्या दोन वर्षांमध्ये हल्लीच्या मोसमा बघतो बऱ्यापैकी फॉर्म मध्ये असलेला गोलंदाजी मार्क वर गोलंदाज सज्ज होतोय. तो भद्रगल एंड करणं सागर मोरिये सज्ज होतोय. दाजी नाईक समोर आहे, दाजी नाईक आज थोडस नाराज करतोय सुरुवातीला, पण मोठा फटका पाहायला मिळतोय. दाजी नाईक ने सुरुवात केली हात खोलत मैदानावर आणि सागर मोरिये स्वागत केलं षटकारानं, आणि दाजी नाईकचं आपण स्वागत करूया सुमधुर संगीतातून डीसीच्या माध्यमातून. बादेश्वर बादा संघ मैदानावर खेळतोय. आरव्या बॅटने पुन्हा एकदा मोठा फटका पाहायला मिळतोय. डीप मिड विकेटला चेंडू सरळ जातोय तो सीमारेषा बाहेर 6 धावांसाठी. अखिल मी म्हणे एका बाजूने सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा बाहुबली म्हणून मला का संबोधलं होतं, वाऱ्याच्या हवेची वेग ह्या एंडने आणि दुसऱ्या विरुद्ध एंडला या ठिकाणी मोठे फटके बजावले. मला बाहुबली ही उपमा का दिली याचं प्रात्यक्षिक उदाहरण दाजी नाईकनं मैदानावर मात्र प्रात्यक्षिक रूपात कार्य केलंय. षटकाराबरोबर सांघिक धावपलक धावपलकावर आपल्याला पाहायला मिळतो. एका सुसज्ज स्थितीमध्ये धावपलक 43 धावा धावपलकावर. अजून एक कोहिनूर हिरा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा देवबागची शान घेणं बाकी आहे. दाजी नाईकचे चेंडू पुढे तळपलाय, खोलवर टप्पा चेंडू, सुंदर फटका घेऊन काढतोय डीप ऑन द कार्पेट मध्ये. एकेर धावसंख्येची पावलं दुहेरी धावसंख्येवर बोलले आहेत आणि दोन धावा सहजासहज पूर्ण करत या दुहेरी धावसंख्येनं सांघिक धावपलक धावपलकावर 45 धावा या धावपलकावर. सुरेख या ठिकाणी मात्र फलंदाजीला सुरुवात
काय गोलंदाजी केली मैदानावर अप्पाली कलंगुटकर ज्याच्या वेळी अप्पालीचं नाव बुकवटार येतं तर सुरेख गोलंदाजी कित्येकदा उत्कृष्ट गोलंदाज म्हणून ज्याची कहते कीर्ते गोवा राज्यामध्ये त्याने सुरेख गोलंदाजी केली आहे. ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू यावर हल्ला बोल केलाय. स्वागत केलंय पुन्हा एकदा मैदानावर सागर मोरेचा. दाजी नाईक ऑन फायर आणि सांघिक धावपलक धावपलकावर पाहायला मिळतोय तो बांदेश्वर पाटा संघाचा अर्धशतकी काही 50 धावा करत त्याने 51 धावा धावपलकावर आपल्याला पाहायला भेटताय. सुरेख फटकेबाजी दाजी स्वागत केले. आता मात्र षटकारांच्या आतषबाजी मैदानावर तब्बल 3-4 चेंडू मध्ये विचार केला 20 धावा खर्च करतोय तो मात्र सागर मोरे आपल्या षटकामध्ये ज्या धावा सतरी भद्रकाली ओव्हर मध्ये निघाल्या त्या धावांची भरपाई मी करणार आणि 20 कोटक फलंदाजी करत या मैदानावर सुरेख खेळाचं काही प्रदर्शन करणार हे नेतृत्व करत असताना दाजी नाईक दाखवून देतोय. पुन्हा एकदा सुंदर फटका शॉर्ट फिल्ड प्रकारचा चेंडू जवळ जवळ डीप पॉइंट लेगला चेंडू येतोय तो जवळ जवळ चौकारासाठी हा फटका निघतोय आणि 4 या धावसंख्येनं सांघिक धावपलक धावपलकावर पुढे सरकला केलाय. 55 धावा धावपलकावर सुरुवातीच्या कालखंडामध्ये थोडस अडकत होता बांदेश्वर बाधा संघ या मैदानावर आणि त्यानंतर मैदानावर दाजी नाईक नावाचं हे वादळ गोंगवलंय. वाऱ्याच्या विरुद्ध दिशेने या फटक्यांची मात्र मोठे फटकेबाजी करण्यासाठी मला का माहीर म्हटलं जातं याचं प्रात्यक्षिक उदाहरण देत सुरेख या ठिकाणी मात्र गोलंदाजावर हल्ला बोल करतोय. 55 धावा धावपलकावर पुन्हा एकदा सुंदर चेंडू व्हाइट वर्कर करण्याचा प्रयत्न 2 क्षेत्ररक्षकांच्या मधून सर्व चेंडू सीमा रेषेबाहेर जातोय. 4 या धावसंख्येसाठी चौकाराने सांघिक धावपलक धावपलकावर आपल्याला पाहायला मिळतोय तो 59 धावा धावपलकावर. 6 षटकांचा खेळ आज मैदानावर समाप्त होतोय आणि 6 षटकांच्या समाप्तीनंतर तब्बल 28 धावा देखील सागर बोरियाच्या षटकामध्ये 59 धावा धावपलकावर रेड्डीज आहे. व्हाइट वर्कर करण्याचा सर संदेश ठाकूर त्यांचा जेल सुटलेला सेल येणाऱ्या कालखंडामध्ये एकेरी धावसंख्येने 60 धावा या धावफलकावर संदेश ठाकूरवर हल्ला बोल केले. सुंदर असा कव्हरला फटका दोन क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या बरेच प्रयत्न शर्तीचे प्रयत्न आणि सरते शेवटी चेंडू हे सीमावशेचं उल्लंघन करतोय. ती चौकाराची खूण आपल्याला पाहायला मिळत चौकाराने सांघिक धावपलक धावपलकावर 64 धावा या धावपलकावर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. येणाऱ्या काही चेंडू आहेत त्या चेंडूंवर विचार केला समोर तगडी फलंदाजी आहे आणि तगडी फलंदाजी 8 षटकांचा सामना तरी 100-95 धावा गाठण्याचा जो मानस ऐकलाय बांदेश्वर बाधा सगळं त्याकडे वाटचाल करतोय. सुरुवातीला चाचपटत खेळल्यानंतर मात्र एक खराब चेंडूंवर अडकडे आक्रमण करत या मैदानावर गोलंदाजांचा स्वागत देत षटकार चौकाराड करतोय तो दाजी नाईक या मैदानावर 67 धावा या धावफलकावर. सुंदर फटका बॅक टू स्ट्रेट रोचा लॉग ऑनला पालिका लंगुटकर चोख करतोय. चेंडू येतोय 1 बॉल सी मारेषेबाहेर 4 धावांसाठी. झेल टिपण्याचा इरादा होता थोडासा अवेश वेगाने चेंडू थोडासा दिशा बदलतोय. दिशा बदललेला चेंडू प्रतिस्पर्धी संघाला जी धोक्याची घंटा बसली होती मैदानावर ती धोक्याची घंटा तळत या मैदानावर चौकाराची लहर येते आणि 4 या धावसंख्येनं सांघिक धावपलक धावपलकावर 71 धावा या धावपलकावर आपल्याला पाहायला भेटत आहेत. आक्रमण असतं जे स्लोक ओव्हर मध्ये त्या आक्रमणाला सुरुवात झाली. दाजी नाईक नावाचं वादळ या मैदानावर गोंगावलं गेलं आहे. सुरेख फटकेबाजीचे निर्भय या ठिकाणी मात्र फलंदाजी परत या मैदानावर आपल्या संघाला एका सुसज्ज स्थितीमध्ये नेऊन ठेवतोय. मोठा फटका पाहिला भेटतोय दाजी नाईकच्या चेंडू पळतोय. सर्व चेंडू मात्र आता येतो 6 धावांसाठी आणि 6 या धावसंख्येने सांघिक धावपलक धावपलकावर आपल्याला पाहायला भेटतोय एका सुसज्ज स्थितीकडे वाटचाल करतोय. 77 धावा या धावपलकावर को बिल्कुल जाना जाता है ज्यादा फाइट रे फाइट के नाम से. और इसी बीच में दाजी नाईक मैदान पर दो बल्लेबाजों ने पिछले मैच में अपने टीम को जो कि बिल्कुल संभाला था एक साझेदारी बनी थी हिस्सा बहुत मोटा जो कि बड़ा था दाजी
नाइक का, लेकिन दाजी दुरत ने बहुत ही अच्छा साथ भी निभाया था, साझेदारी बनी थी। ये क्रिकेट के मैदान पर बहुत कीमती होते हैं साझेदारी, और देखना होगा प्रवीण कुबल एक सफलता हासिल करते हुए। बहुत ही अच्छी गेंद, चकमा दिया, बिल्कुल बोल्ड किया उस गेंद पर और अपने बॉलिंग मार्क पर कॉमेंट्री बॉक्स की ओर से राइट आर्म ओवर द विकेट। खेल तीसरे ओवर का चलता हुआ, सही इलेवन बिल्कुल मैच में सही रास्ते पर दिखाई दे रहे है। मैं कप्तान को दाद दूंगा, पार्ट टाइम गेंदबाज को दूसरा ओवर निकाला उन्होंने, कहीं ना कहीं विकेट भी ले गए, रन भी कम दिए, जो एक ओवर की कमी थी वो पूरी हो गई मैच में। ओ, देखना होगा हवाई फायर, बाहुबली लॉन्ग ऑन वाइड लॉन्ग ऑन पर गेंद, आते आते बिल्कुल ओवर पिच गेंद और उस पर शानदार शॉट 6 रन के लिए। क्या ताकत है इस खिलाड़ी में, अगर कई ऐसे शॉट देखे जो मिस टाइम हो चुके वो भी बाहर, लेकिन एक बिल्कुल एक क्रैकिंग शॉट था। ओवर पिच गेंद हाफ वॉली पर और वाइड लॉन्ग ऑन पर गेंद सी मारे का सी, और कहीं ना कहीं अब मैदान पर बहुत मजा रहेगा। सभी खिलाड़ी जो कि इस वक्त सर्कल के अंदर, और यहां पर देखिए साजू बॉन्ड बेस्ट वर्सेस बेस्ट मैदान पर, दोनों बड़े खिलाड़ी मैदान पर। शॉटगन शॉटम पुल पुल सक्सेस है, ये गेंद निकल रही है मिड विकेट पर और देखते देखते गेंद सीमा रेखा पर क्योंकि फील्ड की जा रही है। प्रकाश एरा की तरफ से लगभग 2 रन वहां पर बनते हुए, शॉट बहुत अच्छा था, पहले लगा के शायद तो ये कैच नहीं हो, कैच तो नहीं था, आपको सिर्फ रन रोकने थे। अटक गई थी, देखिए दाजी अभी तक मैदान पर डटे हुए, अभी तक वो बैटिंग नहीं देखने को मिली। अनुमन जिनके बल्ले से बहुत दूर दूर छक्के देखने को मिलते, तमाम जाने वाले जानते हैं खिलाड़ी सेना समान मैदान पर। शॉटगन इस बार फिर से बोल क्या करो ऑन साइड पर मिड विकेट पर, अब भाई कोई मौका नहीं रहेगा आपके पास। गेंद वन मोर सीमा रेखा पार 4 रन के लिए। चौवे के साथ लगभग 44 पर पहुंचे शायद तो टीम का स्कोर मैदान पर इस ओवर में 44 ना। वापस खेल मैदान पर चलता हुआ, देखिए इस ओवर में एक बड़ा शॉट 50 अंतिम 12 गेंदों पर लगभग 2-5 शॉट, मैच कड़क रहेगा मैदान में, काबिलियत है इस खिलाड़ी के पास। ऑफ के बाहर कट किया, पॉइंट बाउंड लाइन के ऊपर से वन बाउंस सीमा रेखा पार 4 रन 48 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। बाहुबली जिस नाम से लोग जानते हैं वो ताकत लगा तो मैदान पर। प्रतियोगिता में 128 खिलाड़ी के टोटल बन चुके हैं, इसमें 45 रनों की एक अच्छी बैटिंग मैदान पर, इससे पहले मैच में 46 रनों की, ये जानकारी सब कुछ अखिल परब दे रहे मैदान पर। और उसके बावजूद अगर देखा जाए तो सर्वाधिक 151 रन जो कि घुंघरू के मैदान पर, मतलब उसके पीछे तो नहीं दौड़ सकते फिलहाल, लेकिन यहां पर 4 गेंदे। इस बार उड़ाएगा इनको 6 रन के लिए। बाहुबली 61 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। शरीर में जंगली ताकत मैदान पर, मैं तो कहूंगा बिल्कुल ताकत मैदान में बहुत ज्यादा, और वही ताकत मैदान पर दिखाते हुए दाजी मैदान पर इस वक्त खेला तमाम, और आज बिल्कुल अच्छा कमाल मैदान पर करता हुआ। इस बार लोगों के ऊपर से जंगली ताकत इस खिलाड़ी के शरीर में भाई, बिल्कुल बड़ी ताकत और ताकत का बिल्कुल मैगोगा प्रदर्शन करते हैं मैदान पर। 2 छक्के इस ओवर में और टीम का स्कोर अब मात्र मैदान में पहुंचा
67 मैदान पर, 67 जो कि इस वक्त मैदान पर 18 गेंदों पर 35 रनों की एक लाजवाब बैटिंग है ना, तो एक बड़ा शॉट चाहिए मैदान पर। ऑफ्टर के बाहर कट चेक इनको कवर बाउंड्री पर पहला रन बहुत तेज निकला, एक्स्ट्रा कोर्स से खिलाड़ी बहुत तेज निकला है, दो रन वहां पर बनेंगे और दो रन के साथ टीम का स्कोर अब मात्र मैदान में पहुंचा 70 मैदान पर।